हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग को एक डिश टीवी का प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो कभी भी आप लोग के काम में आ सकता है। बहुत इजी प्रोसेस है इसका, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत इजी है ये। खुद अपने आप भी आप लोग कर सकते हो इसका, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कर सकते हो। तो मैं इसका फॉल्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। कभी कभी आप लोगों के टीवी में भी ऐसा हो सकता है कि इसमें चैनल कुछ ब्लॉक हो गया होगा, और जिसे अनब्लॉक करने के लिए आप लोगों को एक पिन, चार अंक का पिन मांग रहा होगा, 4 डिजिट वाला पिन। ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए टीवी ऑन हो गया है, और इसमें ये देखिए थोड़ी देर चैनल चला, जस्ट 1 या 2 सेकंड भी नहीं होगा प्रोग्राम आने लगा, फिर ये चैनल ब्लॉक हुआ है। और यहाँ पे बता रहा है कि दिस चैनल इज ब्लॉक्ड, एंटर योर 4 डिजिट पिन टू एसेस। मतलब आपने जो 4 अंक का डिजिट और पासवर्ड दिया होगा वो डालने पर यह चैनल चलने लगेगा, ये चैनल अभी ब्लॉक हो गया है। तो ठीक है, तो मैं आप लोग को ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए देखिए यहाँ पे 4 डिजिट वाला पिन मांग रहा है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई कस्टमर अपने मतलब अपने मर्जी से डालते हैं, लॉक करके रखते हैं, और कोई कोई अनजान में भी है लॉक हो जाता है। तो जो जानबूझ के लॉक किया है तो उनके लिए वो आसान है, वो यहाँ पे पिन डाल के चला सकते हैं टीवी। लेकिन जिसका अनजान में हो गया है तो वो क्या करेगा, इसलिए इसे कैसे अनब्लॉक करते हैं मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए पहले हमें इसका मेनू निकालना है। ठीक है, मेनू, ठीक है, ये आ गया उसका मेनू बटन। और इसके बाद हमें सेटिंग पे जाना है। देखिए ये आया सेटिंग पे, ये सीआरटी टीवी है इसलिए जंप कर रहा है। ठीक है, फिर भी मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये सेटिंग पे आ गए हम लोग, ये जो राइट साइड पे कॉर्नर पे है सेटिंग। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, एसटीवी इन्फो पे जाना है। ठीक है, एसटीवी इन्फो यहाँ पे जाना है, फिर यहाँ पे हम ओके करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे एसटीवी इन्फो पे जाने के बाद पूरा नीचे देखिए सेटअप लिखा है। ठीक है, तो उसके सेटअप से पहले एक रेड का आइकॉन है, तो हमें अपने रिमोट पे जो रेड बटन है उसे प्रेस करना है। ठीक है, तो सेटअप पे जाने के बाद हमें रेड बटन दबाना है, तो मैंने रेड बटन दबा दिया। अब हमें क्या करना है, सिस्टम सेटिंग पे जाना है, सिस्टम सेटअप। ठीक है, ये देख रहे हैं आप सिस्टम सेटअप। ठीक है, तो यहां पे जाना है, फिर यहां पे ओके, फिर हमें इरेज फ्लैश एफएस ये ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, इरेज फ्लैश एफएस यहाँ पे फिर ओके करेंगे, तो ये अपना सेटिंग अभी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बनते रहिए मेरे वीडियो में, मैं आगे और भी ऐसा वीडियो लाके रहूँगा आप लोग के लिए, और इसका भी रिजल्ट आपको दिखाऊंगा कि ये सही हुआ या नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने तो प्रोसेस आपको बता दिया, लेकिन ये सही में होता है कि नहीं उसका रिजल्ट देखिए मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, तो उसका रिजल्ट भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ओके प्रेस करना है हमें। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, दिस विल कॉज ऑल द डाटा स्टोर्ड इन द बॉक्स टू बी बॉक्स भी इरेज्ड। मतलब जितना जो भी डाटा है इसमें
सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे ओके प्रेस करना है, और ओके प्रेस करने के बाद ये प्रोसेसिंग शुरू हो गया। ठीक है, तो थोड़ी देर हमें इंतज़ार करना है यहाँ पे, फिर हम देखेंगे इसमें प्रॉब्लम सही हुआ है या नहीं हुआ है। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जितना भी वीडियो आप लोग को यहाँ पे शो कर रहा हूँ, सब कुछ एकदम ओरिजिनल है, एक भी फेक वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं एक टेक्नीशियन हूँ और मैं फील्ड पे जाता हूँ। तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम मेरे सामने आता है उसका वीडियो बना के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि कभी आप लोगों को भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन आप लोग तुरंत कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एडिट बना बनाया हुआ वीडियो, एडिटिंग वीडियो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट आप लोग के सामने मैं ला के रखता हूँ, ताकि आप लोग को भी ऐसा प्रॉब्लम कभी आए तो इसका सॉल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये वीडियो चलने लगा, यहाँ पे पिन कोड जो मांग रहा था वो पिन कोड सही हो गया है। ठीक है, अब पिन कोड नहीं मांग रहा है, अब मैं चैनल बदल रहा हूँ इसका। ठीक है, तो ये देखिए मैंने चैनल चेंज करके भी देखा, आप लोग देखिए मैं और एक दूसरा चैनल चेंज कर रहा हूँ, देखिए ये अच्छी तरह से चलने लगा है। ठीक है, देखिए सही हो गया, ये जो पिन मांग रहा था अब पिन की कोई जरूरत ही नहीं है, और ऐसे आप खुद भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।